हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज है बहुत ही स्पेशल वाला व्लॉग होने वाला है ये, तो इसको पूरा देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो गाइस मैं आपको आज मैं फूल बाती बनाना सिखाऊंगी। इस बार मैं कुछ अलग तरीके से और नए तरीके से अपने दिए बनाने वाली हूँ, तो चलिए आप भी सीखना और आप भी बनाना। गाइस ये रहा मेरा सामान जिससे कि मैं अपने इस बार के दिवाली के दिए जो है ना तैयार करने वाली हूँ। ये है पानी थोड़ा सा, ये है कपूर, घी, मोमबत्ती, कैंडल और ये है रुई यानी कॉटन। तो चलिए गाइज अभी हम इसको तैयार करते हैं। मैं आपको आप बने रहिए व्लॉग में, आप खुद ही देख लीजिए कि मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है? तो चलो बनाते हैं। चलिए गाइज, तो चलिए गाइज मैं शुरू करती हूँ अपनी बाती बनाना, तो मैं आपको भी सिखाती हूँ, ठीक है? फूल बाती कैसे बनाते हैं देखिए, ठीक है? अभी मैं आपको सिखाती हूँ फूल बाती इस तरीके से बनानी है। तो गाइज अगर पहले ही दिन हम अपने दिए तैयार करके रख देंगे ना, तो मुझे लगता है कि काफ़ी काम हल्का हो जाएगा। बस उस दिन सिर्फ दिए जलाने होंगे, बाती वाती बनाने का झंझट दूर हो जाएगा। और जो मार्केट में मिलती है ना बातियाँ, उनको भी हमको हल्का सा ऐसे ऐसे तो करना ही पड़ता है, क्योंकि वो ना खुली खुली सी रहती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं पहले दिन ही बना लेती हूँ। तो गाइज मैंने इस तरीके से ना तैयार कर लिया। एक कॉटन लिया और उसको इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड से करके एक साइड को ऐसे करके ये बन गई हमारी बाती। और अब हम इन दोनों को, ये जो दोनों है ना, इन दोनों को इस तरीके से ऐसे कर लेंगे अच्छे से। ये देखो बन गई हमारी फूल बाती। और फिर इसको नीचे से इस तरीके से। तो गाइस तैयार है हमारी फूल बाती, ये देखिए हो गई तैयार ऐसे। और भी मैं ऐसे ही तैयार कर लूंगी सारी बातें। तो चलिए गाइस बन गई हमारी फूल बातियां। तो अभी हम चलते हैं किचन में और अभी बनाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। आप बने रहिए। तो गाइस इसमें पहले हम डालेंगे घी और उसके बाद थोड़ी सी ये कपूर दो चार और थोड़ा सा कैंडल कट करके डालेंगे। पहले घी को गरम करेंगे, उसके बाद हम ये सब चीज़ें उसमें डालेंगे। कपूर को हम इसमें पीस के डालेंगे, ठीक है? तो चलो डालते हैं पहले इसमें घी। इसमें मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ना ऐसे डालने के लिए इजी हो जाएगा निकालने के लिए, इसलिए मैं चाय वाले पतीली में बना रही हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने दो कपूर ले लिए हैं और इसको इस तरीके से रख के अच्छे से बारीक हो जाएगा ना, कूट लिया मैंने। तो गाइज इसमें मैंने घी डाल दिया गलने के लिए और अब मैं इसमें ये डाल दूंगी कपूर जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। और अब मैं इसमें डालूंगी कैंडल। अगर आपके पास मोल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, जिस पे वो बनाते हैं ना चॉकलेट वगैरह। और तो गाइज अगर आपके पास मोल्ड है ना चॉकलेट बनाने का, और क्या बनाते हैं उसमें कप केक वगैरह बनाते हैं, अगर वो है तो अच्छी बात है, उसमें बना देते हैं। नहीं तो आप इस वाली ट्रे में भी बना सकते हैं जो जिसमें हम आइस जमाते हैं, तो मैं इसी में बनाऊंगी, ठीक है? तो चलो देखते हैं। अंदर भी रोने लग गई है ना। तो गाइज मैंने इसमें ना सब में फूल बातियां रख दी हैं और अब मैं इसमें डालूंगी घी। इसमें इस तरीके से ना हम घी डालेंगे, ये वाला इस तरह से गाइस हम इसमें ना सब में घी डालेंगे, ठीक है? तो गाइस ये तैयार हो गई हैं और सबकी बातियां ना ठीक कर लेनी है, अगर कोई इधर उधर गिर जाए तो उनको आप ऐसे सीधा कर लें। और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, ये अच्छे से जम जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सबको नमस्ते करो। नमस्ते। कैसे हो गाइस? नमस्ते। बोलो बोलो कैसे हो? और बोलो ये क्या कर रहे हैं? मैं तो वेश की चली हूं। रहने दो। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं पहाड़ी डिश गैथ का फाण और भात यानी चावल। तो ये इसको ना कुलथ भी बोलते हैं। और मैंने ना इनका स्प्राउट्स बना लिया है, मैंने अच्छे से इन पे अंकुर आ गए हैं। तो अब मैं इनको पीस के बनाऊंगी फाण, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी होने वाला है। तो इसको हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में। इस फाण को लोहे की कढ़ाई में जो है ना, इस फाण का टेस्ट और भी ज्यादा निखर के आता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं फाण भात, अपना पहाड़ी डिश। कब से नहीं खाया हमने फाण भात गाइज,
तो चलो खाते हैं, बनाते हैं। तो गाइज इसमें ना लहसुन भी, टमाटर भी और हरी मिर्ची भी सब एक साथ पीस लेंगे। तो गाइज हमने इसको ऐसे भी खा सकते हैं, प्याज खीरा टमाटर वगैरह डाल के और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, बहुत ही टेस्टी यम्मी होता है। स्प्राउट्स मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और अभी तो मैं इसको फिलहाल इसमें डाल देती हूँ। अभी हम बना रहे हैं इसका फांड, तो चलिए गाइज आप भी देखिए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी डिश है ये हमारी पहाड़ की, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है जैद का फांड। तो चलो बनाते हैं, और थोड़े से ना मैं इनको ऐसे रख लूँगी मैं अपने लिए खाने के लिए, और थोड़े को बना लूँगी। तो चलो फटाफट से इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, बहुत है इतना इतना मैं अपने लिए बचा लेती हूँ खाने के लिए स्प्राउट्स। तो गाइस ज्ञाना भी मेरे साथ खाना बना रही है, ये ना अंदर बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी इसलिए मैं इसको बाहर ले आई, अब ये भी मेरे साथ खाना बना रही है ना ज्ञानू मेरी ज्ञानो, आंखों में देखो आंसू, आंसू देखो आंसू, किचन में आके इसको चैन नहीं है। हाँ ये देखो, इधर उधर इधर उधर देखता रहेगा किचन में, ये देखो खाना बनाएगा मम्मा। तो गाइज यहाँ पे हमने सरसों का तेल डाल दिया है, और अब ये हमारे हैं प्याज, और ये है हमारा फांड जो हमने पीस लिया है, और थोड़ा सा जखिया। तो ये पूरी आज हम बनाने वाले हैं पहाड़ी डिश। तो हमारा तेल जब गर्म हो जाएगा ना तो हम इसमें डाल देंगे जखिया, ये देखिए इसमें पड़ गया जखिया, और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। और जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा ना फिर हम उसके बाद इसमें डाल देंगे ये जो हमने पीस रखा है ना फांड, इसको डाल देंगे। फिर अभी हम अभी पहले प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। वाह तो गाइस हमारा प्याज भुन गया है, अब हम इसमें ये डाल देंगे। इसको ना बहुत देर तक और अच्छे से भुनना है तभी ये अच्छा बनता है। तो गाइस अब हम इसमें डाल देंगे गरम पानी, बाद हम इसको पकाएंगे 20 मिनट धीमी आंच में। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ गाइस, पता नहीं कुछ लोग कुछ अलग तरीके से भी बनाते होंगे, लेकिन मुझे ना ये धीमी आंच में ही बहुत अच्छा लगता है बनाना। धीमी आंच में तो कोई भी खाना बनाओगे आप तो वो अच्छा ही होता है। तो गाइज ये जो फांड है ना इसको ना बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत धीमी आंच में और बहुत देर तक अच्छे से भुनना है, ताकि जो उसकी कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला देना है, और इसको ना धीमी आंच में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है, और हमारा फांड तैयार हो जाएगा, और साथ साथ साइड में हमारे चावल भी बन जाएंगे, है ना ज्ञानू? ज्ञानू पे बाल लग रहे मेरे। तो ये देखिए गाइज ये बन चुका है। तो गाइज मुझे ना भूख लग गई है बहुत जोर से, पहले मैं खाना खा लेती हूँ फिर मैं उसके बाद आपको वो दिखाऊंगी। क्या दिखाऊंगी गुड्डू? दिए जो मैंने बनाए ना फ्रिज में रखे हुए, जो मैं उसके बाद उनको दिखाऊंगी मैं आपको। तो पहले खाना खा लेते हैं। और आज गुड्डू आज पापा कहाँ है? हाँ तो आज पापा ऑफिस गए हुए है ना, इसलिए हम दोनों अकेले खाना खा रहे हैं, और ज्ञाना सो गई है फिर से मिल्क पी के, है ना। तो अभी हम खाना खा लेते हैं पहले गाइस, बहुत भूख लगी है पेट में। तो गाइस ये रहा मेरा खाना, खीरा, ये पानी है, और यहाँ पे गुड्डू खा रहा है खाना। गुड्डू ना ऐसे खाता है, चावल के गोले बना के खाता है, लड्डू बना के, है ना जब उसकी पसंद का खाना नहीं होता तब वो ऐसे लड्डू बना के खाता है। पसंद का मतलब दाल नहीं होती है जिस दिन, है ना, उस दिन गुड्डू ऐसे खाता है। आज उसको ये वाली दाल अच्छी नहीं लगती इसलिए नहीं खा रही है ना। खाएगा ये वाली दाल? खा ले बेटा। तो गाइस तैयार हो गए हैं हमारे दिए, अब हम इसको ऐसे निकालेंगे और इसमें रख के, ये देखिए गाइस ये रहा ब्यूटीफुल। तो इसको ना निकालने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, इससे आराम से निकल गए, बस थोड़ी देर बाहर रख देना निकाल के, फिर उसके बाद निकल जाएंगे आराम से। गाइस आई होप कि आपको ना ये अच्छे लगे हो मेरे दिए, और गाइज अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट भी करना, मुझे बताना कि आपको ये वाला आइडिया मेरा कैसे लगा,
और बने रहना मेरे साथ, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो गाइज ये रहा मेरा दिया, तैयार कर दिया मैंने आज ही, और मुझे लगता है ना कि ये बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए उस दिन, है ना। फटाफट से दिए मैं रखूंगी और जला लूंगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ना, अभी से बना के रख देती हूँ। अभी मैंने इतना ही बनाया, अभी मैं और भी बनाऊंगी कल। तो ये वाले तो मैंने बना दी है, तो मैं इनको ना फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी, है ना गुड्डू। हाँ। ताकि ये पिघले ना, वैसे तो ये नहीं पिघलेंगे, मैंने इनमें कैंडल भी डाली हुई है, लेकिन फिर भी इनको फ्रिज में ही स्टोर करना सही रहेगा। ये देखो।